अगर आपके घर में भी बहुत सारे कॉकरोच है और आप इन कॉकरोच से तंग आ चुके हैं, अक्सर हमें लगता है कि हमारे घर में कोई कॉकरोच नहीं क्योंकि दिन के टाइम हमें कभी कोई कॉकरोच दिखाई नहीं देता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में कॉकरोच है या नहीं, तो आधी रात को किचन की लाइट ऑन करके देखना, कॉकरोच इधर से उधर भागते दिखेंगे। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, या तो जूठे बर्तन सिंक में पड़े होंगे उसकी वजह से भी कॉकरोच आने लगते हैं, या फिर सिंक की नाली से भी आ सकते हैं, या तो बाथरूम में होते हैं या फिर किचन में। दो ही जगह पर हमारी नालियाँ होती हैं, जाली लगी होती है, तो वहाँ से कॉकरोच आने की पूरी संभावना होती है। या फिर घर में अगर सीलन हो तो भी कॉकरोच आने लगते हैं, लेकिन कॉकरोच अगर बर्तनों के ऊपर से जाएंगे या हमारे खाने को छू देंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इन्हें अगर आप स्प्रे से नहीं मारना चाहते, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा लिया है। साथ में हम लेंगे बोरिक एसिड, तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो इससे कॉकरोच बहुत जल्दी से भागते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, ये 20 रुपये का है, बल्कि स्प्रे से तो हमें सस्ता ही पड़ता है। अगर हम कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं तो वो केमिकल होते हैं, तो जिसकी स्मेल हमारे अंदर भी जाती है, तो इसलिए बोरिक एसिड से हम इसे भगाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका पैकेट होता है, तो चलिए पैकेट को मैं खोल लेती हूँ। तो भी 2 चम्मच हम इसमें बोरिक एसिड के डालेंगे। तो 1/4 कप मैंने आटा लिया था और उसमें 2 चम्मच मैंने बोरिक एसिड के डाल दिए हैं। बस आप ये बनाने के टाइम इतना ध्यान रखें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे इन चीज़ों को दूर रखें, क्योंकि बच्चों को आदत होती है कि कोई भी चीज़ होती है वो मुंह में डालने लगते हैं। तो अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो आप ज़रा ध्यान से ये काम करें। तो अभी इनको मिक्स कर लेंगे, आटे को और बोरिक एसिड को। और अभी मैंने लिया है दूध, और दूध डालकर हम इसका आटा गूंद लेंगे। अगर आपने कॉकरोच भगाने का ये तरीका कभी भी नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, आपको महंगे केमिकल वाले स्प्रे लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भी पानी का हाथ लगाकर भी इसे गूंद लेंगे। तो कुछ इस तरह से सॉफ्ट आटा मैंने गूंद लिया है। तो अभी हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। और अगर आपको लगे कि आपके हाथों पर आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी ले सकते हैं। तो इतने से आटे में बहुत सारी गोलियां बन जाएंगी। तो एक ही बार में हम अपने पूरे घर में इनको रख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा लेने लगी हूँ और सूखा आटा लगाकर गोलियां बना लेंगे। तो लीजिए, मैंने सारी गोलियां बना ली हैं। अब हमें इसको क्या करना है, रात के टाइम हमें इसको किचन में जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि कॉकरोच हो सकते हैं, जैसे कि सिंक के नीचे वाली जाली के पास, या फिर किचन की कैबिनेट जो बने होते हैं, ड्रॉअर बने होते हैं उसके नीचे, फ्रिज के नीचे, या फिर बाथरूम की नालियों के पास, सारी जगह पे जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कॉकरोच आ सकते हैं, वहाँ वहाँ हमें एक एक गोली इस तरह से रख देनी है। सोफे के नीचे, बेड के नीचे, कॉर्नर्स में, कहीं पे भी जहाँ आपको भी लगता है कि कॉकरोच है वहाँ रख दें। कॉकरोच भगाने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।